प्रीवियस टू लेक्चर्स में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन की थी और कुछ उसकी एग्जांपल्स देखी थी और एक फंक्शन एफ आफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स को जीरो टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल पे हमने कहा था कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है और हमने कहा था इसका प्रूफ हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे आज हम नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया डिफाइन करने लगे हैं और उसकी मदद से एफ आफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स वाले फंक्शन को ऑन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी प्रूव करेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है हालांकि वो फंक्शन कंटिन्यूस है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया जो है वो स्टेट करने लगे हैं कि आखिर क्या क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है सपोज कर लें कि ए जो है वो हमारे पास आर का सबसेट है और लेट कर लें कि एफ ए से आर पे एक फंक्शन है तो ऐसी सूरत में ये जो नीचे स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं ये इक्वलेंट हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इक्वलेंट हैं सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन ए एफ ए पर यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं है हम जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसकी मदद से देखते हैं कि वो डेफिनेशन कब पूरी नहीं होगी और कब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं होगा और वही स्टेटमेंट जो बनेगी वो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर टू बनाएंगे ज़रा याद कर लेते हैं कि फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब कहते हैं ए अगर आर का कोई सबसेट हो और एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो तो हम कहते हैं फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूस है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए इस तरह का कि जब भी आप डोमेन के वो वी और यू लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो एफ एफ वी माइनस एफ एफ यू का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस निकले यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है अब कब ये डेफिनेशन पूरी नहीं होगी उस वक्त ये डेफिनेशन पूरी नहीं होगी जब हर ईच एप्सिलॉन की जगह हम कहें हमें मिल जाए एक पॉजिटिव एप्सिलॉन और देयर एग्जिस्ट की जगह हम कहें फॉर ऑल पॉजिटिव डेल्टा फॉर ईच की जगह हम कहें देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट की जगह हम कहें फॉर ऑल पॉजिटिव डेल्टा यहां पे हम कह रहे थे डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए v माइनस यू का मॉडल्स डेल्टा से लेस हो और हम यहां कहें वो सारे पॉइंट्स नहीं बल्कि हमें दो पॉइंट्स मिल जाएं फर्ज करें एक पॉइंट का नाम मैं v डेल्टा रख लेता हूं दूसरे पॉइंट का नाम मैं u डेल्टा रख लेता हूं कि वो डोमेन में से हो और उनके लिए v डेल्टा माइनस यू डेल्टा का मॉडल्स डेल्टा से लेस हो लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी ना हो लेस देन दे की बजाय एफ वी डेल्टा माइनस एफ यू डेल्टा का ग्रेटर इक्वल टू एप्सलॉन आई और जो एप्सलॉन हम कहें कि देर एग्जिस्ट कर रहा है अगर हम उसका नाम एप्सलॉन नॉट रख लें तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन उस वक्त होगा अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर एप्सलॉन नॉट मिल जाए जब भी आप कोई पॉजिटिव डेल्टा लें, तो उस पॉजिटिव डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में दो पॉइंट्स वी डेल्टा और यू डेल्टा ऐसे जरूर मिले कि जिनके लिए वी डेल्टा माइनस यू डेल्टा का मॉडलस डेल्टा से लेस हो लेकिन एफ आफ वी डेल्टा माइनस एफ आफ यू डेल्टा का मॉडलस एफ्सलान नॉट से ग्रेटर इक्वल आ रहा हो लेस ना आ रहा हो अगर ग्रेटर इक्वल आ रहा हो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो ये क्राइटेरिया हमारे पास बन रहा है नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन का कि आपको मिल जाए एक पॉजिटिव एफ्सलॉन नॉट के जब भी आप कोई सा भी पॉजिटिव डेल्टा लें तो आपको मिल रहे हो u डेल्टा और v डेल्टा a में इस खूबी के साथ u डेल्टा माइनस वी डेल्टा का मॉडल डेल्टा से लेस हो और एफ यू एफ यू डेल्टा माइनस एफ एफ वी डेल्टा का मॉडल एफ्सलॉन नार्ट से ग्रेटर इक्वल आ रहा हो अगर आपको एक पॉजिटिव एफ्सलॉन नार्ट ऐसा मिल जाए कि आप कोई सा भी पॉजिटिव डेल्टा लें आपको हर पॉजिटिव डेल्टा के लिए एलिमेंट्स यू डेल्टा और वी डेल्टा मिले डोमेन में कि यू डेल्टा माइनस वी डेल्टा का मॉडल डेल्टा से लेस हो और एफ ऑफ यू डेल्टा माइनस एफ ऑफ वी डेल्टा का मॉडल्स अफसलान आठ से ग्रेटर इक्वल हो अगर ऐसा हो जाए तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है और अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं है तो ऐसा हो जाएगा और हम इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल क्या करेंगे फंक्शंस को ये साबित करने के लिए कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो हम क्या क्या करेंगे हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट ढूंढेंगे ऐसा पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट ढूंढेंगे कि जब भी हम पॉजिटिव डेल्टा लें तो हमें यू डेल्टा वी डेल्टा ए में मिले कि यू डेल्टा माइनस वी डेल्टा का मॉडल्स डेल्टा से लेस हो और एफ ऑफ यू डेल्टा माइनस एफ ऑफ वी डेल्टा का मॉडल्स ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन नॉट हो अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो हम कहेंगे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है इसी क्राइटेरिया को ये जो हमने डेफिनेशन के कन्वर्स बनाकर बनाया है हम सीक्वेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इन दाम ऑफ सीक्वेंसेज है कि आपको मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर अपसान नाट के जब भी आप सीक्वेंसेस लें यू एन वी एन इन ए में इस खूबी के साथ के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन माइनस वी एन जीरो हो तो हमारे पास जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन का मॉडलस आ रहा है वो ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आए जब भी आपको मिल जाए एक पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट इस तरह से कि यू एन वी एन सीक्वेंसेज ए में हों और लिमिट अनोचेज टू इन्फिनिटी यू एन माइनस वी एन जीरो हो और एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन का मॉडल ग्रेटर इक्वल टू एफ नॉट हो अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे जो हमारे पास फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ना हो तो ऐसा हो जाएगा और अगर ऐसा हो रहा हो तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस नहीं होगा और इस स्टेटमेंट को हम ज़्यादातर इस्तेमाल किया करेंगे फंक्शन को नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए यानी हम एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन नॉट ढूंढेंगे हम दो सीक्वेंसेस ढूंढेंगे यू एन और वी एन ए में के लिमिट अनोचेज टू इन्फिनिटी यू एन माइनस वी एन जीरो हो और एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन नाट हो फॉर ऑल एन अगर ऐसा कर पाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है ये जो हमने नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया लिखा है इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो डेफिनेशन से बन जाती है और सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट बन जाती है अगर हम डेल्टा को वन बाई एन चूज़ करना शुरू कर दें उस सूरत में डेल्टा को वन ओवर एन लेने से जो हमें U और V मिलेंगे उनसे सिक्वेंसेज यूएन और वी एन बन जाएंगी क्योंकि उन सीक्वेंसेस के लिए यूएन माइनस वी एन का मॉडल होगा तो उनकी जो लिमिट होगी टू एनप्रोचेटी वो जीरो होगी और उनके लिए एफ ऑफ यू एन माइनस एफ एफ वी एन का नाट से ग्रेटर इक्वल आएगा फॉर ऑल एन तो सेकेंड और थर्ड को हम आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं सेकेंड में डेल्टा को जो है हम वन ओवर एन चूज करके थर्ड बना सकते हैं और थर्ड से हम सेकंड भी बना सकते हैं बहरहाल हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे इस क्राइटेरिया का हम इस्तेमाल करेंगे और मैंने बताया हम इस थर्ड वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रूफ किया करेंगे कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है एग्जाम्पल है हमारे पास जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आए हैं एग्जाम्पल है कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स है प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है अगर आप इसकी डोमेन जीरो टू तो इन्फिनिटी वाला ओपन इंटरवल लेते हैं हमने साबित ये करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है और इस क्राइटेरिया की मदद से साबित करना तो हमने ढूंढनी है बेसिकली दो सीक्वेंसेज यूएन और वी एन जो जीरो से इंफिनिटी वाले इंटरवल में हो और ऐसी दो सीक्वेंसेस ढूंढनी है कि जब उनके डिफरेंस की लिमिट अनप्रोचेस तो टू इंफिनिटी ली जाए तो आंसर जीरो आए लेकिन जब हम उनके लिए एफ एफ यू एन माइनस एफ एफ एन का मॉडल मालूम करें तो वो किसी एक पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर आर इक्वल आए कोशिश करते हैं ऐसी दो सीक्वेंसेस ढूंढने की कि जिनके डिफरेंस की लिमिट अनप्रोचेस तो टू इंफिनिटी जीरो हो हम ऐसी दो सीक्वेंसेस ढूंढना चाहते हैं कि जिनके डिफरेंस की लिमिट टू तो इंफिनिटी जीरो हो और अगर मैं यूएन और वी एन दो इंडिविजुअली ऐसी सीक्वेंसेस ढूंढ लू कि वो दोनों सीक्वेंसेस जीरो को अप्रोच करती हों वो दोनों सीक्वेंसेस इस इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी में मौजूद हों अगर वो दोनों जीरो को अप्रोच करती होंगी तो उनके डिफरेंस से यू एन माइनस वी एन बनने वाली जो सीक्वेंस है वो भी जीरो को अप्रोच करेगी गैस करें कोई ऐसी आसान सी सीक्वेंस तो जीरो को अप्रोच कर रही हो अगर मैं सीक्वेंस ले लू वन ओवर एन तो आपको पता है जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो एन है हमारे पास जो कि वन ओवर एन हमने ली है ये जीरो को अप्रोच करेगी इसी तरह की जब हम एन इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो वी एन जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगी और जब हम एफ एफ यूएन मालूम करेंगे एफ एफ एन हमारे पास फंक्शन का फार्मूला है वन ओवर एक्स इसमें जब हम एफ आफ यू एन मालूम करेंगे तो वन ओवर वन बाय ये हमारे पास एन बन जाएगा और जब हम एफ आफ वी एन मालूम करेंगे तो वो वन ओवर वन ओवर एन प्लस वन होगा जो कि एन प्लस वन के, के इक्वल आ जाएगा और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे एफ यू एन माइनस एफ आफ वी एन तो क्या बनेगा और इसका मॉडल लेंगे एफ एफ यूएन में से एफ एफ वी एन को माइनस करेंगे एन में से एन प्लस वन को माइनस करेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा और इसका मॉडल वन हो जाएगा और ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर आर इक्वल टू वन कहा जा सकता है तो बस हमारा मसला हल हो गया ये जो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए क्राइटेरिया है वो हम फुलफिल कर सकते हैं अगर यूएन को वन ओवर एन ले लें ले और वीएन को वन ओवर एन प्लस वन ले लें गैस करें क्या वी एन कोई और भी ली जा सकती है बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर जब हमने एफ ऑपरेट किए हैं एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन कैलकुलेट किया और उसका मॉडल्स कैलकुलेट किया है तो वो एन में से एन प्लस वन को माइनस करने के बाद माइनस वन का मॉडल्स यानी वन आ गया है तो अगर यहां वन की जगह आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें तो हमारा मसला हल हो सकता है यानी वी एन ऑफ वन ओवर एन प्लस वन बाय टू भी ले सकते हैं वन ओवर एन प्लस थ्री भी ले सकते हैं एंड सो ऑन मैनी सीक्वेंसेज हम चूज कर सकते हैं वी एन और यूएन भी हम मैनी सीक्वेंसेज इसी तरह से चूज कर सकते हैं कि यूएन और वी एन दोनों जीरो को अप्रोच कर रही हैं तो इनके डिफरेंस से बनने वाली यू एन माइनस वी एन भी जीरो को अप्रोच करेगी लेकिन एफआफ यूएन माइनस एफ वी एन का मॉडलस एक नंबर से ग्रेटर इक्वल आ जाएगा तो ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं हमने यू एन वन ओवर एन ले ली वी एन वन ओवर एन प्लस वन ले ली ये दोनों सीक्वेंसेस जीरो टू इनफिनिटी वाले इंटरवल में हैं है ना जो यू एन सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स वन वन बाय टू वन बाय थ्री और सो वन बन रहे हैं और ऑब्वियसली ये एलिमेंट जीरो से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में मौजूद है और जो वी एन सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स वन बाय टू वन बाय थ्री और सो वन ये सारे एलिमेंट्स भी जीरो टू इन्फिनिटी वाले इंटरवल में मौजूद हैं तो ये दो सीक्वेंसेस हमने यू एन और वी एन ली हैं ये इस डोमेन में मौजूद हैं जब हम लिमिट एन प्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन माइनस वी एन हल करते हैं तो हम दोनों की लिमिट अलहदा अलहदा सॉल्व कर लेते हैं और दोनों की लिमिट का आंसर चूंकि जीरो है तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया लिमिट एन प्रोचेज टू इन्फिनिटी यू एन माइनस वी एन जीरो आ गया है ये कंडीशन फुलफिल हो गई है अब हमने देखना है एफ एफ यू एन माइनस एफ आफ वी एन का मॉडल किसी एक नंबर से ग्रेटर आर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा उसके लिए हम एफ एफ यू एन माइनस एफ आफ वी एन का मॉडल हल करते हैं एफ एफ यू एन जो है वो वन ओवर वन बाय और एफ ऑफ वी एन वन ओवर वन बाई एन प्लस वन बनेगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन माइनस एन प्लस वन आ जाएगा जो कि माइनस वन का मॉडलस और वन आ गया और वन आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू वन और ये तमाम एन के लिए हो रहा है यही बात हम फुलफिल करना चाह रहे थे ये बात हमने फुलफिल कर ली है और क्या नतीजा निकला इस सारी बात का नतीजा ये निकला कि जो फंक्शन एफआफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स है ये इंटरवल जीरो से इंफिनिटी ओपन वाले पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है आज के लेक्चर में हमने बाकायदा प्रूव कर लिया हैल टू वन ओवर एक्स जो फंक्शन है ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी पे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है अभी तक हमने ये कहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूअस फंक्शन का यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं होता उसकी एक ये एग्जाम्पल भी हमने देखी है हम इसको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये कंटिन्यूस है लेकिन ये इस डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है आज हमने ये भी प्रूव कर लिया है क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जो कंटिन्यूस हो और कॉन्टिन्यूटी से रिड्यूस किया जा सकता हो कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी है हाँ ऐसा क्राइटेरिया हमारे पास है और नेक्स्ट हम यही काम सीखने लगे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम है जो हमें बताता है कि किस तरह का कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है फर्ज कर लें हमारे पास एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है थ्योरम ये कहता है कि तब एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बी होगा अगर फंक्शन डिफाइन हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और कॉन्टिन्यूस हो तो तब कंफर्म है कि एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बी होगा डोमेन अगर किसी फंक्शन की क्लोज इंटरवल ए बी हो और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बी होगा इससे पहले हम देख चुके कि ऐसे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होते हैं लेकिन ये थ्योरम हमें गारंटी दे रहा है कि अगर फंक्शन की डोमेन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी हो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो कंफर्म है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा तो हम इस स्टेटमेंट का इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं हमें नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया तो याद ही है कि क्या है जिसमें हम ये सीक्वेंसेस वाला इस्तेमाल किया करेंगे हम प्रूफ में क्या अख्तियार करेंगे तरीकाकार हम ये अख्तियार करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि एफ़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया के मुताबिक हमें एक पॉजिटिव एप्सिलॉन नॉट मिलेगा और सीक्वेंसेस यू एन और वी एन मिलेंगी ए के अंदर के यू एन माइनस वी एन की लिमिट एप्रोच टू इन्फिनिटी जीरो होगी और एफ ऑफ यू एन माइनस एफ एफ वी एन का जो

बॉल्जोनों बीसटास थियरम देखा है कि बाउंडेड सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट हो या ना हो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मिला करती है तो इसकी हमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस से यू एन के मिल जाएगी जो ए और बी के इन बिटवीन होगी और कन्वर्जेंट होगी अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हमने ये थियोरम भी पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो दो नंबर्स के इन बिटवीन हो और वो कन्वर्जेंट हो तो फिर उसकी लिमिट का आंसर जो होता है वो भी उन्हीं दो नंबर्स के इन बिटवीन हुआ करता है तो ये जो हमें सब सीक्वेंस मिलेगी इसकी लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसका आंसर भी ए और बी के इन बिटवीन ही होगा ये जो हमें सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट है इसकी लिमिट को हम ज्यूम कर लेंगे कि वो सी है सी हमें एक नंबर मिल जाएगा ए और बी के इन बिटवीन ये जो नंबर हमें सी मिलेगा इस पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा और अगर इस पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी है वो कहेगा कि अगर यू एन के नंबर सी को कन्वर्ज कर रही है और सी पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ एफ यू एन के जो है वो कन्वर्ज करेगी एफ एफ सी को इसी तरह से हम एफ एफ वी एन के बनाएंगे एफ एफ वी एन के जो है वो भी एफ एफ सी को कन्वर्ज करेगी और फिर एफ एफ यू एन के माइनस एफ़ आफ वी एन के जो है उनका डिफरेंस जीरो आ जाएगा यानी वो जीरो को कन्वर्ट करेगी लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया एफ आफ़ यू एन के माइनस एफ आफ वी एन के का जो मॉडुलस है वो तो एक नंबर से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए था इसके कंट्राडिक्शन आ जाएगी और ये कंट्राडिक्शन इसी वजह से आएगी कि हमने सपोज कर लिया है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है ये तरीकाकार मैंने वजाहत कर दी कि कैसे करेंगे प्रूफ तो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया के मुताबिक हमें एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन नॉट मिलेगा और सीक्वेंसेस यू एन और वी एन मिलेंगी डोमेन में यानी क्लोज इंटरवल ए बी में इस खूबी के साथ मिलेंगी कि लिमिट एन प्रोचेस टू इनफिनिटी यू एन माइनस वी एन जीरो के इक्वल होगा और एफ ऑफ यू एन माइनस एफ ऑफ वी एन का मॉडल ग्रेटर टू एफ्सलानाहट होगा ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल ये हमने इस्तेमाल किया है इस बात का कि हमने स्पोज कर लिया है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा देता हूं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर फंक्शन ए से आर पर है और फंक्शन डोमेन के एक पॉइंट सी पर कंटिन्यूस है और हमारे पास कोई सिक्वेंस एक्सएन है जो सी को कन्वर्ट कर रही है तो फिर एफ एफ एक्सन एफ एफ सी को कन्वर्ट करेगी और आपको एक बात और याद करवा देता हूं अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है और उस सीक्वेंस की हर टर्म दो नंबर्स के इन बिटवीन है तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी उन दो नंबर्स के इन बिटवीन होगी आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस यूएन है उसकी हर टर्म ए से ग्रेटर इक्वल और बी से लेसर इक्वल है और इस बात का मतलब है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है और थ्योरम ये कहता है कि ये खुद कन्वर्जेंट हो या ना हो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी इसकी जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी उसका नाम हमने यूएन के रख लिया हमारे पास सीक्वेंस यूएन की हर टर्म ए से ग्रेटर आर इक्वल और बी से लेस आर इक्वल है तो जो इसकी सब सीक्वेंस के है उसकी हर टर्म भी ए से ग्रेटर इक्वल और बी से लेसर इक्वल होगी और इस थ्योरम की मदद से के जिस नंबर को कन्वर्ट करेगी वो भी ए और बी के इन बिटवीन ही होगा लिमिट के अप्रोचेस टू तो इन्फिनिटी के ए से ग्रेटर इक्वल और बी से लेसर इक्वल है ये जो सीक्वेंस यूएन के है यह किस नंबर को कन्वर्ट कर रही है हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर सी को कन्वर्ट कर रही है ये नंबर सी को कन्वर्ट कर रही है ये सी जो है ए से ग्रेटरिक्वल और बी से इक्वल है यानी ये नंबर सी हमारी डोमेन में शामिल है हमें गिवन ये था कि फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है इसका मतलब है ये डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है सी चूंकि डोमेन में मौजूद है इसका मतलब है ये फंक्शन सी पर भी कंटिन्यूस है और अगर ये फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है और हमारे पास डोमेन में एक सीक्वेंस यूएन के है जो सी को कन्वर्ट कर रही है तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया के मुताबिक एफ एफ यूएन के जो सीक्वेंस है वो एफ एफ सी को कन्वर्ट करेगी एफ एफ यूएन के सीक्वेंस है हमारे पास जो एफ एफ सी को कन्वर्ट कर रही है यूएन के हमने एक सब सीक्वेंस ली है सीक्वेंस यूएन की अब हम एक सब सीक्वेंस वी एन के बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं जैसे यूएन के लिए हमने बनाई है अगर हम इसी तरह से वी के बनाएंगे तो हो सकता है वी के के जो टर्म्स हैं वो यू के के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ना आए हो सकता है इस सब सीक्वेंस में जो पहली टर्म हो वो यू फाइव हो जबकि वी की जो सब सीक्वेंस बने उसकी पहली टर्म जो है वो वी फाइव ना बल्कि वी सिक्स वी सेवन वगैरह हो हम चाहेंगे इस वक्त ये के जिस नंबरिंग के हिसाब से ये यूएन के आ रही हैं उसी हिसाब से हम एक वी एन के सब भी बनाए और उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि यूएन माइनस वी एन की लिमिट एन अप्रोचेस टू तो इन्फिनिटी के केस के में जीरो है ये जो यूएन माइनस वी एन की लिमिट एन अप्रोचेस टू तो इन्फिनिटी केस के में जीरो है तो जब हम सब सीक्वेंस लेंगे यूएन के और वी एन के तो उनके लिए भी ये क्वालिटी होल्ड करेगी यहां से अगर आप ये सोचें कि इनकी लिमिट अलग अलग कर ले यूएनके की लिमिट हमारे पास सी है तो वी एन के लिमिट भी सी हो जाएगी लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूएन के तो हमने बनाई है हमें पता है कि ये सी को कन्वर्ज कर रही है VNK हमने वी एन के हमने बॉजन स्टार थ्योरम की मदद से नहीं हासिल की है बल्कि बस वी एन के हमने यूएनके के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लेकर वी एन की सब सीक्वेंस बना ली है क्या ये कन्वर्जेंट है फिलहाल हमें नहीं पता है हम ऐसा करते हैं कि पहले साबित ये करते हैं कि ये वी एन के भी कन्वर्जेंट है उसके लिए मैं लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वी एन के हल कर रहा हूं और वी एन के में मैंने यूएनके माइनस भी कर लिया और यूएन के प्लस भी कर लिया अब मेरे पास राइट साइड पर इस इक्वेशन की दो सीक्वेंसेस हैं एक यूएनके और एक वी एन के माइनस यूएनके इनकी लिमिट मैं अलग अलग कर सकता हूं क्यों क्योंकि यूएनके की लिमिट के प्रोचेस टू तो इन्फिनिटी मौजूद है यूएनके माइनस वी एनके की लिमिट के प्रोचेस टू तो इन्फिनिटी मौजूद है और सम या डिफरेंस की लिमिट उस वक्त अलग अलग कर सकते हैं जब दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो चूंके वी एनके माइनस यूएनके की लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मौजूद है जीरो के की लिमिट के सी है, है तो अब मैं इस की लिमिट को अलग अलग कर रहा हूं लिमिट के माइनस के और प्लस लिमिट के ये लिमिट जीरो है, फाइव, ये लिमिट सी है सब सीक्वेंस मिली वी स्टार थ्योरम की मदद से जो कि हमने ज्यूम कर लिया नंबर सी को कन्वर्ज कर रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी एन के सीक्वेंस अगर हम वी एन की बनाए तो वो कन्वर्जेंट है या नहीं है हमें डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमने प्रूव ये किया है कि यूएनके के कॉरस्पॉन्डिंग के अगर हम वी एन की सब सीक्वेंस वी एन के बनाते हैं तो वो भी हमारे पास सी को ही कन्वर्ट कर रही है अगर वी एन के जो है वो हमारे पास सी को कन्वर्ट कर रही है और फंक्शन एफ सी पर कंटिन्यूस है तो फिर हम एक दफा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करते हैं और हम कह सकते हैं कि एफ एफ वी एन के जो है एफ एफ सी को कन्वर्ज कर रही है एफ एफ यू एन के पहले प्रूफ किया एफ एफ सी को कन्वर्ज कर रही है एफ आफ वी एन के अब हमने प्रूफ किया कि एफ एफ सी को कन्वर्ज कर रही है अगर ये दोनों एफ एफ सी को कन्वर्ज कर रही हैं तो अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो लिमिट के अप्रोचेस माइनस लिमिट के अप्रोचेस वो एफ एफ सी माइनस एफ एफ सी जीरो आ गया लिमिट के, के जीरो आ गया है लिमिट को इकट्ठा कर लेते हैं लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ आफ यू एन के माइनस एफ वी एन के जीरो को अप्रोच कर रही है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एफ के माइनस एफ ऑफ वी एन के का जो है वो हर पॉजिटिव नंबर से लेस है आपको याद होगा किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है अगर एफ आफ यू एन के माइनस एफ आफ वी एन के जीरो को कन्वर्ट कर रही है तो दिस सीक्वेंस माइनस जीरो को हर पॉजिटिव से लेस बनाया जा सकता है हर पॉजिटिव नंबर एप्सलॉन की दफा आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा कि जब भी आप के ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट लेंगे तो एफ आफ यू एन के माइनस एफ आफ वी एन के का मॉडल एप्सलॉन से लेस है हर एप्सलॉन की दफा ये काम हम एप्सलॉन नॉट की दफा भी कर सकते हैं जो वो एफ्सलॉन नार्ट जो हमने शुरू में इस थ्योरम के स्टार्ट में लिया था इस एप्सलॉन नार्ड की दफा भी हमें एक नेचुरल नंबर एन नार्ड मिल जाएगा कि एफ एफ यू एन के माइनस एफ एफ वी एन के का जो मॉडल है वो एफ्सलॉन नार्ड से लेस होगा क्या ऐसा है लेकिन ऐसा तो नहीं है ऐसा इसलिए नहीं है कि एफ एफ यूएन माइनस एफ एफ वी एन का मॉडल्स हमेशा एफ्सलॉन नार्ड से ग्रेटर इक्वल है यहां पे हम यूएन और वी एन में ले रहे हैं। अगर हम खास ले लेंगे, सब वाले केज ले लेंगे तो एफ एफ यू एन के माइनस का मॉडलेंट एफ एफ यू एन के माइनस एफ एफ वी एन के माइनस जीरो के मॉडल्स को एफ से लेस होना चाहिए लेकिन शुरू में जब हमने सपोज किया था कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नंबर टू के मुताबिक एफ़ आफ यू एन के माइनस एफ आफ वी एन के का मॉडल फार आल के बिलोंग्स टू एन के लिए ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन स्लान है ये दोनों बातें ये वाली बात और ये वाली बात एक दूसरे के कंट्रेरी हैं इसका मतलब है कि हमने जो शुरू में बात सपोज की थी कि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है हमने गलत सपोज किया था और हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि फंक्शन एफ जो है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है आम हालात में जब आप फंक्शन एफ को किसी सेट ए से आर पे डिफाइन करते हैं और वो कंटीन्यूस होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी हो लेकिन अगर हम फंक्शन की डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी लेते हैं और फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे कॉन्टीन्यूस हो तो फिर ही है कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस भी होगा आज के लेक्चर में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं एक तो हमने प्रूव किया है कि एफ आफ एक्स इज इक्वल टू वन आवर एक्स वाला जो फंक्शन है वो जीरो टू इन्फिनीटी इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है और हमने ऐसे फंक्शन ढूंढे हैं जो कॉन्टीन्यूस हों तो शोर्ट ही होती है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं मजीद चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में